हेलो गाइस, कैसे हो? तो थंबनेल में बिल्कुल आपने सही पढ़ा दोस्तों कि अब अगर एक वर्कर भी चाहे तो अपने बीवी बच्चे को यहाँ पे ला सकता है। किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो ला कर अब यहाँ पे रख सकता है और अपने फैमिली के साथ रह सकता है। तो प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों कि इस बात में कितनी सच्चाई है। और ये जो मैं बात बता रहा हूँ ऐसे ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे देख रहा हूँ, पिछले 12 साल से ऑलरेडी खुद दुबई में जॉब कर रहा हूँ, तो जो भी बताऊँगा दोस्तों रियलिटी के बेस पर बताऊँगा। तो दोस्तों मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए, बट कुछ ऐसा कमेंट आ जाता है भाई लोग का, तो मैं सोचता हूँ एक वीडियो बनाकर आप लोग के साथ इसका कन्फ्यूज़न दूर करूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ दोस्तों और बताता हूँ कि अगर आप वर्कर हो दोस्तों और यहाँ का आपका वर्क वीज़ा है तो आप अपने फैमिली को कैसे ला सकते हो। तो सिंपल सा तरीका है दोस्तों, पहले क्या होता था कि देखिए वीज़ा निकालने के लिए भी, अगर विजिट वीज़ा निकालने के लिए भी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती थी पहले, बट अभी थोड़ा दिन पहले यह नियम चेंज हो चुका है। आप कोई भी आदमी अपना विजिट वीज़ा यहाँ पे खुद से भी निकाल सकता है, ऑनलाइन खुद से भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कंपनी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप विजिट वीज़ा खुद निकाल सकते हो। तो आप किसी भी कंपनी में अगर आप वर्क वीज़ा पर काम कर रहे हो, अगर आप चाहते हो, आपके पास पैसे हैं तब दोस्तों, ऐसी नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे खाने से ज़्यादा यहाँ पे रूम का रेंट होता है। अगर आप अबू धाबी के अंदर एक फैमिली रूम लेते हो तो कम से कम 2 से 2,500 दिरहम, ये समझ लो दोस्तों, 2 से 2,500 दिरहम, वो भी छोटा रूम मिलेगा आपको लगेगा। तो 2 से 2,500 दिरहम का मतलब समझ रहे हो, इंडियन 40 से 45 हज़ार रुपये एक महीने का, ठीक है। दुबई के अंदर भी लेते हो तो लगभग वही है, वहाँ मतलब 1400 से 1500 यही है, मतलब 30-35 हज़ार। हाँ, अजमान है दोस्तों, क्योंकि अजमान में अभी जस्ट मैं रह रहा हूँ, अजमान में थोड़ा रूम का रेंट कम है, यहाँ पे 800 से 1000 दिरहम में अगर छोटी रूम आप लेते हो तो ले सकते हो, मतलब इंडियन मनी आप समझ लो तो 18 से 20 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अजमान में सिर्फ यहाँ पे रूम का टेंशन है, मगर वर्कर को कोई भी कंपनी फैमिली के लिए रूम प्रोवाइड नहीं कराती, क्योंकि वो लोग खुद एक रूम में 8-10 बंदे को रखती है। एक एक अगर फैमिली के लिए वो लोग रूम देने लगे तो वो लोग को तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतना रेंट कहाँ से अरेंज कर पाएगा। इसलिए हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो आप चाहो तो अपने बीवी बच्चे को ला कर यहाँ पर स्कूल में एडमिशन भी करा सकते हो। अगर आपने के बच्चे हैं और अगर चाहो तो यहाँ पे स्कूल में एडमिशन भी करा सकते हो, बट आपके पास पैसे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पढ़ाई भी बहुत महंगा है दोस्तों। तो बहुत सारा भाइयों का कन्फ्यूज़न यही था कि भाई क्या मैं अपने बीवी बच्चे को लेकर वहाँ पर जा सकता हूँ और रख सकता हूँ क्या? तो बिल्कुल रख सकते हो दोस्तों, हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं। मगर हम लोग जैसा वर्कर भाई का किस्मत कहाँ दोस्तों, जस्ट 1200-1400 हज़ार, ज़्यादा ज़्यादा 2000 दिरहम कमाता हूँ तो रूम में ही चला जाएगा, तो फिर खाने। हाँ, अगर चाहो तो, अगर अस्थाई आपका काम है, एक जगह पे काम है, तो आप चाहो तो विजिट वीज़ा पर लाकर 1-2 महीने के लिए घुमा सकते हो, उसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा। आप विजिट वीज़ा के लिए थोड़ा पैसा होगा और बाकी टिकट अरेंज कर दो और बाकी 1-2 महीने के लिए रूम ले लो, चाहो तो 1-2 महीने आराम से अपनी फैमिली के साथ घूम फिर सकते हो। बस अस्थाई काम होना चाहिए, नहीं तो आज यहाँ पे बीबी या बच्चे को बुला के लाए कोई भी एक जगह पे और फिर पता चला कि 2 दिन के बाद कंपनी आपको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया, तो फिर आप फंस जाओगे, बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। इसलिए वर्कर का किस्मत इतना अच्छा नहीं है दोस्तों, जो बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ऐसा ही नहीं। तो ये कन्फ्यूज़न के लिए मैंने जस्ट वीडियो बना दिया ताकि आप लोग के दिमाग में रहे कि हाँ, अपने दुबई या ओमान, कतर, सऊदी कहीं पर भी दोस्तों अपने फैमिली को लेकर जा सकते हैं कि नहीं। बेसिकली मैं दुबई की बात कर रहा हूँ क्योंकि दुबई का मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों नए अपडेट के साथ, जब तक गुड बाय।